विच इधर गोज़ टू वर्ड्स मेकिंग समथिंग न्यू एंड डूइंग वेल इन इट और स्टार्टिंग फ्राम स्क्रैच एंड फिगरिंग इट आउट पर अभी वो री एक्सप्लोर फेज आया है वेर आई एम ट्राइंग टू ट्राइंग टू फाइंड वट मेक्स मी हैप्पी बना के एंड अभी उसी फेज में हुआ है जिस वो ना क्रिएट कॉन्टेंट आई थिंक लॉकडाउन के चक्कर में ना घर बैठे बैठे भाई बैठ के एक जगह पर वीडियो बना के आई थिंक पक गया हूँ इससे पहले कब आए थे वो री एक्सप्लोर फेज लाइक आई इनिशियल स्टार्ट ऑफ़ योर चैनल ठीक है क्यों क्योंकि मेरे को जय ने बताया था कि अंगद करके एक लड़का है गुड़गांव में रहता है बहुत सारा गियर खरीदा है इसने अब ये चैनल शुरू कर रहा है सब्सक्राइबर्स like, तब से मेरे को पता है तो मेरे को पता है तुमने कॉन्टेंट में क्या क्या ऊपर नीचे ऊपर नीचे करा है फिर आई थिंक मेरा जो लास्ट चैनल था जो अंगत खाई सिंह वाला है इट इज़ नॉट प्लान टेक्स से समाज आई वाज फीलिंग टेक्स इज डाइंग आउट आई नीड टू रीड डिस्कवर अब उस टाइम पर मैं मज़े कर रहा था एक चैनल पर चार पाँच वीडियोज मस्ती में डाली और वो समाज चार पाँच लोगों ने फैला दी वो प्लैंड नहीं था सो देन वो एक फेज था जो काइंडर्क उसके बाद वेरा फेल्ड लॉकडाउन के टाइम पे उस कॉन्टेंट में भी आई वॉज मेकिंग कॉन्टेंट दैट आई थॉट व्यूज लाएगा Hmm. बट दिल को खुशी नहीं मिलती थी तो अंगद हिस्से में भी थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक ले लिया ऐसे लॉन्ग टर्म नहीं चलने वाला ये हरकत है फिर मैंने <laughs> अगर ज्ञान बांटना ही है ज्ञान तो अपने, <laughs> अपने अंदर से <laughs> हम हम दोनों आई थिंक इस पर रहे हैं हमारा काम ही है ज्ञान देना exactly, तो exactly. चलो चलो YouTube hmm. का ही ज्ञान दे देते हैं थोड़ा बहुत फ्रेंड्स पे जा ही रहा हूँ

वो वर्क ऑन दिस वाई नॉट स्टार्ट ट्राई सम लाइक जो मेरे दोस्त हैं पीपल लाइक मी दे वर नॉट वॉचिंग क्रिएटर्स दैट वर ऑलरेडी मेकिंग कॉन्टेंट लाइक दिस इंडिया में hmm. वो क्वालिटी नहीं आ रही थी अनफॉर्चुनेटली तो दैट वॉज माई गोल कि चलो ट्राई करते हैं एंड हियर वी आर तो थोड़ा बहुत आई गेस चल रहा है

तो वो चैनल वो इज़ मेनली स्टार्ट फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग इंस्टाग्राम यूट्यूब आई थॉट ये सारी चीज़ें मैं एक बारी में कवर कर पाऊँगा वो चैनल है जिसपे अभी तीन लाख सब्सक्राइबर्स हैं फिर नंबर टू पे आता है ए के एस दूसरा विच इज़ सपोज टू बी वो हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था बट वो अभी यूट्यूब इट्स फॉर यूट्यूबर्स यूट्यूब ग्रोथ दैट काइंड ऑफ कॉन्टेंट उसके बाद एक चैनल है रियली ए के एस करके जहाँ पे जब मेरे को ऐसा कुछ डालना होता है जो मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ डालूं या मुझे मस्ती करनी है या मुझे लाइव स्ट्रीम करना है जस्ट फॉर नो डैम रीज़न तो वो वहाँ करता हूँ मैं उसके yeah. अलावा आई स्टिल हैव एक्सेस टू चैनल जो मैंने पहले पहले बनाए थे जो बचपन में बनाए थे एंड एक चैनल मैंने ऐसे ही बना दिया ऐसे ही बना दिया जिसपे बिना अपलोड के 700 सब्सक्राइबर हैं अभी क्वाइट क्वाइट द सिमिलर स्टोरी मेन चैनल मतलब सबसे बड़ा चैनल जिसपे मैं वो वीडियोज़ बनाता हूँ जो मैं रेगुलरली बनाता हूँ एक पॉडकास्ट के लिए चैनल एक चैनल गेम खेलने के लिए और सिर्फ बखशूदी करने के लिए और एक चैनल जिसका नाम है टेक विद जिस जिसपे मैंने एक वीडियो नहीं डाला है नाम मैं डालने वाला हूँ पर उस चैनल का नाम टेकविथ दृष्टि रहेगा क्यों क्योंकि मेरे को पैरडी करना है कि सबने टेक्स चैनल बना रखे थे मैं भी बनाऊँगा उस पर वीडियो कभी नहीं आएगा विच इज सब दैर आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट देखो यूट्यूब करते हुए टाइम हो गया है तीन चार साल तो हो गए हैं आई मीन एट दिस पॉइंट ज्यादा हो गए हैं लाइक तीन चार साल वैन यू हैव गड मेन स्ट्रीम यू नो विजिबिलिटी उससे ज़्यादा भी हो गए आई वुड कंसिडर यू समथिंग ऑफ अ बेटर इन द दूट्यूब स्पेस समम वो है सी द टेक स्पेस गो फ्रॉम नथिंग टू एवरी थिंग एंड बैक टू नथिंग ये जो पीरियड था जो जर्नी वाला था टेल मी उसका एक्सपीरियंस हाउ वज इट लाइक सीइंग द पीक्स ऑफ द टेक्स स्पेस एंड देन नाउ सीइंग द टेक स्पेस डाई आई थिंक टेक्स पेज की बात कर तो आई आई हैव सीन फ्रेंड्स बिकम इन टू मेन स्ट्रीम सेलेब्स एज क्रिएटर्स दोस्त थे वो लोग हैं रातों तो हम सारे ऐसे भाई व्यूज़ नहीं आ रहे व्यूज नहीं आ रहे पच्चीस सौ सब्सक्राइबर पाँच हज़ार सब्सक्राइबर अब मिलियंस पे बैठे हैं <laughs> कुछ सो आई थिंक आई हैव सीन दैट फेज जब तब भी मेरा इतना कुछ ग्रोथ आई वुड नॉट से था ज वेरी ओपन टू एवरी वन थिंक क्वालिटी था लोग कम थे मतलब यूट्यूबर्स ही कम थे तो इट्स लाइक इट ड मैटर कि तुम्हारे एक लाख है तुम्हारे पांच हज़ार है पीपल न्यू इच अदर दैट्स वाई आई थिंक मी जय इवन जय वि बिग नेम व्यू जय 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 को सब जानते थे अभी भी जाए को सब जानते हैं तो उस टाइम पे भी लाइक चूंकि आई थिंक नर्ड्स हैं हम सारे तो हम सारे कम्युनिटी रहते हैं तो उस टाइम पे सब चिल थे तो आई थिंक टेक जस्ट स्टार्ट गेटिंग ओवरली क्राउडेड तो एंड दैट्स नॉट नेगेटिव थिंग बट दैन द काइंड ऑफ पीपल क्राउडेड इन बिटवीन वो किड्स वो थाट की शॉर्टकट है दैन देर वॉज द्यूज वेव ऑफ क्रिएटर्स फॉलोड बाई टेक्निकल गुरु जी एन शर्मा जी टेक्निकल उनसे इंस्पायर होके इंडियन क्रिएटर्स हिंदी क्रिएटर्स तो आई थिंक आफ्टर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट हो गया कि इंडियन ऑडियंस भी एजुकेट हो गई थी इन नफ अबाउट टेक एंड टेक कम्युनिटी गॉट सैचरे मोबाइल फोन मार्केट मतलब यही yeah. मतलब एक मोबाइल फोन मार्केट बन गया था एंड माई मोबाइल या एंड आफ्टर वेर आई स्टार्टिंग नहीं करना इज आई फल आई एम एजुकेटेड इनफ आज के टाइम पर कि मैं फ़ोन्स की रिव्यूज़ नहीं देखता मेरे को पता है मेरे पास इतना पैसा है उसमें तीन या चार फोन आते हैं मैंने वो उठा लेने या फिर इवन इफ आई डू मैं एक बंदे का रिव्यू देखूंगा आई एम डन आई एम नॉट गोइंग टू वॉच ट्वेंटी वीडियोज़ एंड अनफॉर्चुनेटली इसमें जो टॉप टेयर क्रिएटर्स बन गए टेक में लोग उनकी वीडियोज़ देख के द विल नॉट इवन एंड अप गोइंग टू दिस लोअर लेवल ऑफ क्रिएटर्स दिट ड वॉन्ट योर ओपिनियन ये सीन हो गया था अब तक दूसरे ने बोला अच्छा नहीं है तो भाई करने के लिए लग जाते हैं लोग <laughs> तो ये नहीं करना था एंड देन इतना hmm. इतना प्रोडक्शन पे ध्यान देखिए इतना महीना महीना काम करके पाँच सौ व्यूज छ सौ व्यूज नो अर्निंग तो डेफिनेटली no कुछ कहीं से तो रिटर्न है yeah. तो वो हो गया था आई मीन दैट इज़ समथिंग आई मीन मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि एट वन पॉइंट लाइक दिस इज़ माई इंटरप्रटेशन ऑफ द टेक कम्यूनिटी बिकॉज आई ऑल्सो हैव बी सींग टेक वीडियोज़ एट दिस पॉइंट मैं भी या तो एम के बी एच डी की वीडियोज़ देखता हूँ जाके अगर मेरे को किसी फ़ोन के बारे में देखना होता है या फिर मैं बखचूती देखने के लिए उस पर चला जाऊँगा अनबॉक्स थेरेपी पर आई एम नॉट गोइंग टू वॉच एन इंडियन क्रिएटर रिव्यूइंग ऑफ फ़ोन क्योंकि मेरे को लेना ही नहीं है फ़ोन मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है कौन सा नया फोन आ रहा है बट ये तूने एक अच्छा पॉइंट बताया कि एट वन पॉइंट टेक वॉज एवरी थिंग दे वॉज व्यूज दे वॉज रेवेन्यू एंड देन दैट डाइड आउट सो विद दैट डाइंग डाउन क्रिएटर्स डाइड डाउन इज वेल क्योंकि उन्होंने कभी वो नहीं किया डाइवर्सिफाई नहीं किया और रेवेन्यू सोर्सेज बनाने के लिए डिमी आई मीन समथिंग दैट यू माइट हैव डन इन द पास्ट यू नो सस्टेन दैट रेवेन्यू का स्पेस ताकि तेरे को जो अच्छा कॉन्टेंट बना रहा है जो दिल से अच्छा लगता है वो बनाने का स्ट्रेस ना हो जस्ट फॉर देक ऑफ रेवेन्यू आई मीन टेक टॉक में बहुत करंट टाइम में या टेक टाइम पे जब भी दोनों बता दे यारेक टाइम तो ये स... का न... है जितनी कहानी सुना सकता है सुना तो टेक टाइम पे तो ये सीन था सिंपल कि हुँ. अगर लेते थे ना तो जस्टिफाई अरे कोई बात नहीं ले रहे हैं बाद में बेच के इससे और रिटर्न मिल जाएगा तो ठीक yeah. है टेक वॉज फन आई आई एंजॉय न्यू टेक ऑल बट नंबर वन स्टूडेंट हो खर्चे नो वान नो वान एक्सपेक्टिंग यू अब फिफ्टीन सिक्स भाई तुम घर पे पैसे दो या अपने खर्चे भी उठाओ तो यू कैन ऑफ़ अफोर्ड टू है नहीं भाई अपने खर्चे हैं और चीज़ें भी लेनी है ये सब भी करना है yeah. तो अब टेक वॉज नट देन चेंजिंग योर इंटायर कॉन्टेंट टू फिट इन अ स्पॉन्सर क्योंकि यू आर नॉट बिग इनफ टू रन द शो राइट नाउ वो जो तुम्हें बोल तो रहे हैं तुम्हें करना पड़ेगा तो hmm. वो हो रहा था अभी तो ये सीन है कि आई मेक वट आई वॉन्ट टू मेक कोई स्पॉन्सर आ गया जो मेरे प्री एग्जिस्टिंग कॉन्टेंट के अंदर आ रहा है तो भाई यूर मोर देन वेलकम पर हाँ अभी ये सीन है कि एटलीस्ट आई मेट अ फील्ड राइट ना दट आई एन्जॉय वीडियोज़ इन स्पॉन्सर्स बढ़ गए हैं उस सेगमेंट में तो एंड टचवुड एटलीस्ट चैनल इतना डिसेंट है कि अगर दस स्पॉन्सर को मना करूँ तो एक बीच में से स्पॉन्सर आ जाता है जो वो दस का कॉम्पनसेट कर देता है तो so, yeah. इतना बिकॉज ऑफ बी नॉनस्ट वो कैन आई डोंट टेक ऑन एवरी टाइम स्पॉन्सर एंड थोड़ा क्वालिटी पे फोकस hmm. किया तो इट्स टेकन योड़ा सा वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी बट एटलीस्ट अपने खर्चे निकलने लायक There's a है. Predictability in that space. हाँ you हाँ, हाँ मतलब इतना पता है कि इतना मैं स्पेंड कर सकता हूँ और इतने दिन में ये रिकवर हो जाएगा हो जाएगा और इतनी सेविंग तो सुधार है वो तो फाइनेंशियल आई मीन दिमाग लगाने वाली बात तो अलग है बट लाइक यू सेट इट टुक यर्स टू फॉर यू टू गेट एट दिस पॉइंट एंड द क्रिएटर्स दैट आर कमिंग अभी ए डोंट वॉन्ट टू पुट डाउन दैट ईयर एंड दिस इज सम मेरे को डी एम जाते हैं कि भैया हमारी वीडियो देख लो हमारे को व्यूज़ नहीं आ रहे हैं मैं इतनी वीडियोज़ बना चुका हूँ एंड स्पॉन्सर ये आ रहे हैं स्पॉन्सर वो आ रहे हैं लाइक like, आज ही मेरे को दो उनका ऐप का वो आया है यार हमारी ये ऐप है इसको खेल के पैसे बनते हैं वो कर दो तो ये वॉज दिस ऑलवेज द केस इन दीन बिकॉज मेरे को अभी दो साल हुए हैं इस सीन में लाइक एज अ क्रिएटर फ्राम अ आउटसाइडर तो मैं देख रहा था मैं स्पॉन्सर वगैरह जो भी स्टार्टअप के लिए कर रहा था वो कर रहा था बट फ्रॉम अ क्रिएटर दिस समथिंग दट आई एम सींग फोर द फर्स्ट टाइम वॉज इट लाइक दिस पहले भी कि uh, कोई भी स्पॉन्सर किसी के लिए भी आ जाएगा एंड क्रिएटर्स को बस पैसा कमाने के लिए यूट्यूब करना है यार तब ऐसा सीन था ऑनस्टली बिकॉज नंबर्स कम थे इफ़ यू व गुड विद योर कॉन्टेंट क्वालिटी वाइज तब एटलीस्ट एनी आई वु एज अ टेक क्रिएटर उस टाइम पर टैक क्रिएटर था तो बाहर इतनी कंपनीज़ थी कि पत्थर फेंको कोई ना कोई मिल जाता था भाई आज के टाइम पे आई डोंट थिंक एनीवन कैन गेट अ डिसेंट स्पॉन्सरशिप एट फिफ्टीन हंड्रेड और थाउजेंड टू थाउजेंड सब्सक्राइबर्स मेरे को मिलते थे बिकॉज नंबर वन क्वालिटी नंबर टू इट इज़ अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट बट यही देख के भी बहुत क्रिएटर्स आ गए कि भाई फ्री का सामान मिलता है भाई फ्री का सामान मिलता है पैसा है इसमें एंड इट केम टू अ पॉइंट वेयर ब्रांड्स आई हेड वर्कड विद फॉर इयर्स एंड आई वर्किंग स्टार्टसिंग नहीं हम सॉरी वी कॉन्ट वर्क विद यू बिकॉज हमने कोटेशन इंडियंस को प्रोडक्ट्स भेजे एंड दैर मेड वीडियोज़ बिकॉज यू नो ये बहुत कॉमनली हो रहा था, तो तो था ये तो होता ये तो हो of course, of course. तो तो हो रहा था ऑफ ऑफ कोर्स कोर्स वही सीन तो हो रहा था में तो अब उस टाइम पे प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलते थे आई वो से फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे को मेरी वीडियोस बनाने के लिए पैसे नहीं मिलते थे प्रोडक्ट्स मिलते थे जब पहली बार समान टोल्ड में कि कि प्रोडक्ट के साथ पैसे भी मांग सकते हो खाए, मेरे को पैसे देंगे ये <laughs> अच्छा सच्ची कितना <laughs> like, भाई सौ डॉलर तो मैंने योर uh, के टाइम पे दो हज़ार सोलह तक चला है तो टू थाउजेंड नाइन टू टू थाउजेंड सिक्सटीन इवन दो आई वॉज एट सम्री थाउजेंड फाइव थाउजेंड नेवर सीन हंड्रेड छोड़ो शायद मैंने एक महीने के अंदर पचास डॉलर भी नहीं देखे थे yeah. तो एडसेंस तो नॉन एग्जिस्टेंट स्पॉन्सरशिप के नाम पे कभी कोई आ गया right. पचास डॉलर yeah. सौ डॉलर मतलब mm. तो वही है तो एंड बाकीय को मिल रहे थे इट्स नॉट लाइक मिल नहीं रहे थे <laughs> तो मिल रहे थे तो अब वही सीन था कि समटाइम्स यू एंड रियलाइजिंग इट टूक मी लॉन्ग टाइम टू रियलाइज कि मुझे टेक अच्छा लगता है बट आई एम नॉट अ टेकी आई लाइक टू शो प्रोडक्ट्स मेरे को भाई विजुअल्स मेरे को वीडियो बनाने में मज़ा आता है इट डजेंट मैटर मुझे क्या बनवा लो तुम मुझसे फिल्म बनवा लो तुम तो मुझसे भाई कॉमेडी बनवा लो चाहे मुझे आता ना हो मुझे वीडियो बनाने में मजा आता था आई जस्ट रियलाइज कि लोग प्रोडक्ट्स की वीडियोज़ बना रहे हैं तो आई गेस मुझे टेक में इंटरेस्ट है तो एक तरीके से एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग तो नो बट दिस सम दट वॉज एविडें कॉन्टेंटें रिट फ्राम दिस स्टार्ट इवन इफ इट्स इथ स वीडियो अबाउट कि इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करें दे वॉज एन एलमेंट ऑफ सिनेमाटोग्राफी देर दे वज एन एलिमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग देयर विच इज समिंग दट यू नो सेट्स दी क्वालिटी अ पार्ट इज वेल बिकॉज ये भी मेरे को इसलिए आता है बिकॉज जय ने मेरे को स्पेसिफिकली तेरी वीडियो लाकर दिखाई दी कि देख इसके पास ड्रोन है ये ड्रोन से बड़े अच्छे शॉट लेता है मैं भी ड्रोन खरीदूंगा <laughs> मैंने कहा अच्छा ऐसा है, खरीद ले इससे बोरो कर लेता कहता हाँ कर सकते हैं तो टॉक टू मी अबाउट हाउ 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 लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू टू रियलाइज दैट कि देखो वीडियो बनाने में मजा आता है बिकॉज फ्रॉम वॉट आई हेयर इट टुक अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट एवरी वन हैज लिबर्टी टू यू नो गो फॉर यस एंड देन फिगर आउट देर फैशन आई थिंक का आई थिंक आने के बाद आई स्टिल फोकसिंग ऑन क्वालिटी आई थिंक वी आई स्टार्ट रियलाइजिंग मैं ऑर्डनरी वीडियोस बना रहा हूँ उस पर व्यूज सॉलिड आ रहे हैं बट जिस पर मैं ऐसे सिनेमैटिक yeah. भाई बी रोल्स एंड ऑल ऑफ दैट आई लवचिंग पीपल लव वॉचिंग वो कोई देखता नहीं था बट पीपल लव्ड वॉचिंग इट बट उनको मतलब नहीं था उन चीज़ों से देन आई रियलाइज कि mm. भाई इतने सालों से वाई आई लाइक एंड देन आई स्टार्ट मेकिंग दिस दिजियोज नॉर्मल ऐसे मज़ा नहीं आ रहा देन आज इफ आई मेकिंग द सेम वीडियोज माइनस द विजुअल्स वाई इज इट अफेक्टिंग मी सो मच तो देन आई रियलाइज कि यही तो है मुझे वो बी रोल दैट फिल्म मेकिंग प्रोसेस विजुअल्स हाउ केन मेक दिस लुक बेटर वो सीन वो क्वालिटी का सीन आई वाज इन दैट बट जब रियलाइज़ किया कि भाई मार्केट ही नहीं है इस चीज़ के पीपल वॉन्ट क्विक कॉन्टेंट क्योंकि पास टाइम नहीं है तो भाई बैठो इस जगह पे लुक एट द कैमरा और बनाओ वीडियो बट व्हाई डू यू थिंक द ऑडियंस डजंट केयर अबाउट दिस टाइम बाहर के यूट्यूबर्स को तो बड़ा से देखते हैं एम के बी और अनबॉक्स थेरेपी की मेजर ऑडियंस इंडियन है

आप आई वुड से मिक्सड मिक्सड क्वालिटी लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो आए जो वही चीज़ बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हो इन टू मिनट्स इनको लगता है जी वही सही हैं तुमने मेरे पाँच मिनट क्यों ले लिए जब उस बंदे ने दो मिनट में बोला तो आई हेव नोटिस दिस विद पीपल दे विल नॉट सी वॉट एल्स यू आर प्रोवाइडिंग दे जस्ट कंपेयर इट ऑन द बेस लेवल तो अगर एक्स क्रिएटर ने बोला ये चीज़ अच्छी हैस्ट

<laughs> तो <laughs> तो टाइम्स चेंज ट्रेंड्स चेंज अभी टिकटॉक क्यों चला शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तो हाँ यूट्यूब शॉर्ट तो यूट्यूब शॉर्ट आज पहला यूट्यूब शॉर्ट डाला मैंने तो ऐसे ही सुबह डाल दिया यार हाँ।

तो तो ये सीन हो गया टॉक अबाउट मोटिवेशन आई थिंक ये अभी रिसेंटली ये वापस ये थाट हिट किया है मेरे को कि एक होता है यू मेक कॉन्टेंट कि इस पर व्यूज़ आ रहे हैं दैट मेक्स यू हैप्पी ठीक है बट वॉट हैपन इज जब उसी कॉन्टेंट पर व्यूज़ नहीं आते यू फील बैड से इंस्टाग्राम कॉन्टेंट पे व्यूज़ आते हैं आई विल मेक मोर ऑफ दिस व्यूज आए और बनाया व्यूज़ आए और बनाया व्यूज आए बट चलो चलो आज आज इन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिखाया लेट मी लेट मी शेयर समथिंग विद दैम गाइज ये एक थोड़ी अलग वीडियो नहीं देखना व्यूज़ नहीं आते हैं नहीं देखना तो देन फिर, फिर हाँ। चुपती है वो बात कि भाई क्यों नहीं देखना कम्पेयर टू दैट आई थिंक इफ़ यू अपलोड समथिंग दैट यू लाइक कि तुमने बनाया है एंड यू लाइक वॉट यू मेड उस पर व्यूज ना भी आए ना एक वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहता है कि आईव मेड समथिंग गुड इस पर चाहे अंडर एटेड रह जाइए पर एटलीस्ट कोई देखिए तो बोले भाई क्या बनाया है ये तो आई थिंक वो वो थाट एंड चलो एक छोटा सा थाट ऑल्सो बींग आई थिंक इफ आई एम अमंग माई फ्रेंड्स अब मैं ऑनलाइन कॉन्टेंट मुझे पता है क्या चल रहा है बट अगर मैं अपने दोस्तों के बीच में मैं में भाई व्हाट डू यू मेक मुझे दिमाग में एक घंटी बजती है ना गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं वो जो बचता है ना वो फुल फीलिंग नहीं था यार वो जेब भर रहा था थोड़ा बहुत बट कब तक एंड देन एक चीज़ अगर ये बाहर पर एग्जाम्पल देता हूँ यह मैं एग्जाम्पल देता हूँ कभी अगर फैन फेस्ट वैन फेस्ट में गलती से सिलेक्ट हो गया फिर स्टेज पे क्या इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ाना सिखाऊंगा मैं दे दे डोंट डोंट दैट 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 शिट आई 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 समथिंग इज नो रेजोनेट विद वेल कि बट ये बहुत ही वो है अरे ये थोड़ा ट्रिकी सा स्लोप है कि तुमको अगर ग्रो करना है तो तुमको कॉन्टेंट वो बनाना पड़ेगा जो तुमको नंबर्स ला के दे बट अगर तुम उससे खुश नहीं हो तो तुम वो कॉन्टेंट बना के कर भी क्या लोगे एंड आई आई मीन अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स गो डाउन दिस रूट कि जिस पैशन से शुरू करते हैं ना कॉन्टेंट बनाना अच्छी वीडियोज़ बनाना आफ्टर अ पॉइंट वो खत्म हो जाता है क्योंकि तुम सिर्फ इस व्यूज़ के लिए कर रहे हो इसमें किसकी गलती है क्रिएटर की गलती है या ऑडियंस की गलती है और इट जस्ट समथिंग दैट हैज़ टू हैपन विद ऑल क्रिएटर्स आई थिंक इट्स समथिंग दैट इट विद एवरीवन सबके साथ होता है मेरे को इट टुक मे अ लॉन्ग टर्म टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आई कॉट यू कॉन्ट अ क्रिएटर कैंट ब्लेम हिम सेल्फ फॉर एवरी थिंग पहली बात ही शुड ब्लेम फॉर हिम सेल्फ फॉर सर्टन थिंग्स कुछ चीज़ें उसकी गलती होती हैं फॉर व्हाट है पॉइंट अगर मैं क्रिएटर हूँ मेरे पास तीस हज़ार सब्सक्राइबर हैं मैंने कंसिस्टेंटली अच्छा कॉन्टेंट डाला अब उस पर व्यूज नहीं आ रहे एंड आई नो इट्स अ गुड टॉपिक एंड आई नो इट्स दैट पीपल वॉन्टेड बट अगर लोग नहीं देख रहे आई कॉन्ट कंट्रोल दैम वॉचिंग इट तो सर्टन थिंग्स आर आउट ऑफ यंट्रोल एनी थिंग इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड कि भाई वो है तुम्हारे कंट्रोल के बाहर यू कैन बेग पीपल टू वॉच योर कॉन्टेंट यू कैन डू एनी थिंग बट जिसको देखना है वो देखेगा जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा अब डिपेंडिंग ऑन यूट्यूब आपके एनाटिक्स ना मतलब आपके नोटिफिकेशन ना भेजे या लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा या गंदे टाइमिंग पे डाल दिए अपने या टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं, नहीं था सॉफ्ट एक्टर्स हैं बट इफ इट्स अ पैटर्न इफ़ इट्स अ पैटर्न एंड यू डन एवरीथिंग टू स्टार्ट फाइंडिंग द फ्लॉ एंड कभी 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 वो फ्लॉ आप में नहीं होता मे बी इट्स जस्ट वॉट यू वॉन्ट वर्सिज वॉट पीपल आर विलिंग टू गिव मैच कभी कभी वो तुम्हारा फ्लॉ होता है बट ओनली टेक्स टाइम टू फिगर आर डाउट बट ओके यूट्यूब इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दर्जल दीज डेज टिकट चलो बैन हो गया पर इंस्टाग्राम बहुत पॉपुलर है ट्विटर बहुत पॉपुलर है आजकल तो लैंगन में भी लोग बहुत कंटेंट बना रहे हैं फॉर अ क्रिएटर दैट इज स्टार्टिंग आउट हाउ डू दे फिगर आउट कि कहाँ कंटेंट बनाए क्या कंटेंट बनाए इन योर ओपिनियन व्हाट इज दै हाउ डज दैट लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग आउट टूडे वट वुड यू आई वुड गो कंसिडर यू हैव ऑल दी नॉलेज आई वुड गो है मेरा गोल क्या है लाइक वेरी ऑनेस्टली पीपल थिंक सोशल मीडिया स्टार्ट करना चैनल स्टार्ट करना इंस्टाग्राम स्टार्ट करना इज रैंडम इज इट्स मोस्टली नॉट आपका एक गोल रहता है दिमाग में नंबर वन मे बी इफ इट्स फेम इफ इट्स फेम एंड मेन स्ट्रीम फेम एंड आपका दिमाग ऐसा है कि आप वो चला पाओ तो यूट्यूब वुड बी माई थिंग बट अगर आपका गोल है कि भाई मेरे को अपने बिजनेस को ग्रो करना है थ्रू एन ऑनलाइन प्रेजेंस तो इंस्टाग्राम वुड बी गुड स्टार्ट इन दैन लेटर कन्वर्टेड टू वट एवर मैं ये भी बोल रहा हूँ टिकट बर्बाद हो गया था काफ़ी लोगों को बर्बाद भी किया बट उसमें ना इतना पोटेंशल था बेट शेयर नंबर्स एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर एक बंदा वहाँ पे भी खेल सकता था बहुत सॉलिड खेल सकता था yeah. तो आई डोंट ब्लेम द प्लेटफॉर्म इन टाइल येस आई डू फॉर वॉट हैपन टू इट बट एज एन आइडिया रील्स अभी वहाँ नहीं है, बट अगर लोग सारे वहाँ थे एंड योर गोल वॉज टू गेट दोज पीपल तो इफ इफ इट वॉज नॉट एज फील थी वॉज दैट कुड इंडिया इंडिया में ही था वो कंटेंट जो क्रेंच था यहाँ पे इंडिया में वो कॉन्टेंट जहाँ पे लोग कुछ भी कर रहे हैं इन द यू के आई नॉट कम अक्रॉस वन सच वीडियो वहाँ पे बहुत क्रिएटिव वीडियोस थे या तो लोग नाच रहे थे एंड वो तो, गो तो गोरे लोग नाच रहे थे तो उनको तो देखने में दिक्कत नहीं होती है अजीब से डांस करते नहीं है वो या फिर लोग बहुत ही क्रिएटिव बना रहे थे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज फॉलोइंग दिस फोटोग्राफर एंड टिकटॉक अकाउंट वॉज अबाउट फाइंडिंग सीक्रेट प्लेसेस लंडन जहां ना लोगों ने स्कोप ऑफ इट एंड टू द पॉइंट ऑफ I don't know, इस का क्या फायदा हुआ ही बीन वो सौ चीजों से प्रमोट कर सकता था अगर वो पॉपुलर हो गया भाई वहां पर स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं लोग सब हो रहा था अब वो उस बंदे को नेगेटिव ही नहीं ने लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ बाहर टिकटॉक की इमेज इज अ था बेटर दे रिस्पेक्ट टिकटॉक इट इज ओनली बैड देली बैड थिंग इसकी चाइना से रिलेटेड है तो, तो थोड़ा स्के अराउंड बट अदर दैट एवरीटॉक लोगों को टिकटॉक करने को यूज करने में कोई को दिक्कत नहीं होती है पर इंडिया में अब टिकटॉक की जगह यूट्यूब शॉर्ट्स हैं इंस्टाग्राम रील्स है फेसबुक का भी कुछ है, MX टक 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 कुछ है। तो दईन बट आई थिंक दस एप्स एक हफ्ते में स्पोंसर कर दो तो, वीडियो बना दो वीडियो बना दो हाउ डू यू प्लान टू एक्सपेरिमेंट बिकॉज़ एक चीज तो मैनलाइज कर लिया ना अभी लाइक like पिछले yeah. दो महीने में जब से टिकटॉक बैन हुआ और इंस्टाग्राम रील्स चल रहा है लोग रील बना बना के लाख लाख पांच पांच लाख फॉलोअर्स पहुंच गए सिर्फ रील बना बना के एंड विदाउट नॉट नथिंग नो कंटेंट दैट इज यू नो सेंसिबल जस्ट मेकिंग मजे मजे में चार रील बना दी उनप पच्चीस व्यूज है मेरी यूट्यूब वीडियो में हजार व्यूज नहीं आते हैं कहीं बार एंड आई एज अ क्रिएटर इट मेक्स मी फील वेरी कन्फ्यूज क्या है कॉन्टेंट बनाने में रहे हैं

the Everybody more they see results yeah. the more people will end up joining but after a point wo results nahi rahenge ek initial wo boost hai agar koi genuine creator hai i would say use it in a good way bahut fayda hai every time something comes out bhai agar naya feature nikala youtube ne ya tiktok ne they will definitely want more people to try it so तो ye yeah. scene hai user creator ya mera if i'm talking about how i plan on using youtube shorts abhi to maine subah simple ek story dali द टू वेज आई थिंक पीपल कैन यूज इट नंबर वन कुछ टॉपिक्स यू कॉन्ट एग्जैक्टलीट टू मेक डेडिकेटेड वीडियोज ऑन दैम कोई टिप हो गया कोई कुछ हो गया मेरे लिए आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे फॉर शॉर्ट अपडेट बट द थिंग इज आपका फोन का सेल्फी एंड रियर कैमरा है लाइक मे बी थोड़ा और बेटर हो सकता था मे बी लीड मोर एक्सेस टू अपलोड शॉर्ट तो

दिस इज समू अपलोड अगर hmm. on, yeah. तो वही यूज के इंस्टाग्रामी यूट्यूब स्टोरी डाल दूसरा स्टोरी है वहां पर स्टोरी प्रैक्टिकली डेम थिंग दिस इज अ मोर परम स्टोरी तो आई आई पर्सनली आज hmm. इतना मुझे व्यूज में भी इतना फर्क नहीं दिखा इफ आई लुकेर पर टे अभी मुझे फायदा नहीं मिला आई थॉट मे भी नया चीज़ है मेरे व्यूज ज्यादा लोगों तक जाएंगे अभी तो यूट्यूब ने मेरे नोटिफिकेशन मस्त मारे हुए हैं ड्रॉप इन जनरल खत्म हो गया लोग काम वापस शुरू हो गए पिछले कुछ हुँ. या वो तो राशनल बिहड यूट्यूब कि उनको पता है कि टिकटॉक का ऑडियंस बिखरेगा जितना हम पकड़ लें उतना पकड़ लेते हैं बट आई डोंट नो आई एज अ क्रिएटर आई फील वेरी यार एट दिस पॉइंट कि मैं मेहनत करके कॉन्टेंट बना रहा हूँ मैं बहुत शिद्दत से बना रहा हूँ ऐसा कॉन्टेंट जो मुझे पता है लोगों को पसंद आएगा वैल्यू देगा एंड उसको देखने वाले लोग कम है एंड ऑडियंस इज ओनली फ्लडिंग टू क्रिएटर्स एट आर नॉट प्रोवाइडिंग अ वैल्यू एट ऑल पंद्रह सेकेंड के गाने पर किसी आज से देखिए मेरे को क्या खुशी मिलेगी जीवन में आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सो हाउ डज अ क्रिएटर अ पर्सन हु इज़ क्रिएटिंग डेडिकेटेड कॉन्टेंट गुड कॉन्टेंट वेरी गुड एग्जाम्पल एस ए आपस दोस्तों yeah. में ही है मैं लाइव स्ट्रीम खत्म करता हूँ ऐसी चलो दिस स्ट्रीमेंट वेल लोग ने भी प्यार दिखाया एंड आई अर्न एक्स अमाउंट ऑफ वो इन थ्री आयर्स फिर नॉट आई नॉट इवन टोट कैरी अपनी दोस्तों की स्ट्रीम पर चला जाऊंगा एंड वहाँ लोग पैसों पे पैसे भेजे जा रहे हैं ओके माय एक्स अमाउंट इज उस एक बंद, एक बंदा बंदा भेज गया उतना तो सिमिलरली आई थिंक कंपैरिजन तो कैसे भी रहेगा चाहे वो नॉर्मल कंटेंट रहे या कुछ रहे बट आई डू गेट इट इफ इफ यूट्यूब स्टार्ट ट्रीटिंग अ पर्सन हू अपलोडीन सेकेंड फोन फिफ्टीन सेकेंड वीडियो फ्राम इज फोन वोस इज समन हु होल्डिंग द इंटायर कम्यूनिटी बाई अपलोडिंग गुड कॉन्टेंट पुटिंग आउट बेसिकली लाइक आईव सीन योर शोज अब जैसे मैं देखा है रोहन भी जैसे डाल रहे हैं पूरी सीरीज डाल रहे हैं प्रैक्टिकली देर आर क्रिएटर्स और यूट्यूब राइटर हु आर मेकिंग वेब सीरीज पूरी पूरी आर आर नॉट इवन टॉक अमाउट प्रोडक्शन हाउसेज डॉकमाउट रेगुलर क्रिएटर्स अगर ये लोगों को सेम पेमेंट सिस्टम देने वाले हो अब जेब तो वही है ना तो इफ़ यू गोनाट बी पेंग फाइव थाउजेंड न्यू क्रिएटर्स लॉन्ग टर्म में बाई मोर क्रिएटर्सिंग आउट प्लेटफॉर्म मोर द प्लेटफॉर्म सीन हो सकता है बट अभी इमिडिएटली तो भाई नहीं इफ आई एम गोइंग यूट्यूब एंड मेरी विडियोज बींग सेम टाइम एज वॉच वन दू डू अस ऑन हाँ तो दैट विल हर्ट मी भाई

अब जैक इट्स गेटिंग इन टू यंग पीपल तो अगर हाँ अगर कॉन्टेंट आए ऐसा एडवरटाइज और ज्यादा आए तो इवेंचुअली फायदा भी हो सकता है बट आई डोंट नो इन वॉट रेशो टू द इट गोइंग टू बी हाँ यूट्यूब कुछ ऐप कर सकते थे दैट वुड है स्मार्ट मूव मिक्सिंग टू थिंग्स that are so different from each other and the funniest thing is youtube versus tiktok was the whole drama whole drama and you're practically putting those <laughs> same people <laughs> <Yeah. laughs> look youtube and they're like oh let us do the, <laughs> the same way thing way. yeah same thing hmm. आई डों थिंक दी प्रॉलम्लम देर वॉज यूट्यूबर्स एज टिकटॉक प्रॉब्लम बॉज की हम टिकटॉक वाले लोगों को ही उसको लुक डाउन अपॉन कर देते थे तो दट्स दी पॉइंट बिकॉज रील्स पर भी सेम कॉन्टेंट बन रहा है वो सेम क्रिएटर जो टिकटॉक पर तो रील्स पर आगे सेम कॉन्टेंट बना रहा है उनको वो प्यार दिख रहा है आई डोंट सी इट एज अ यूट्यूब टिक टॉक प्रॉब्लम आई सी इट एज अ शिफ्ट इन दी कॉन्टेंट क्रिएशन स्पेस इन जनरल जो क्रिएटर्स लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट बना रहे थे या तो वो कॉन्टेंट बनाना छोड़ देंगे बिकॉज उनको शॉर्ट्स बनाना पंद्रह सेकेंड का कॉन्टेंट बनाना आता ही नहीं है इज नॉट समथिंग दट इंटरेस्ट और दे विल हैव टू एक्सपेरिमेंट विद इट एंड सी इफ देर सम सक्सेस देर फॉर एग्जाम्पल अलॉट ऑफ यूट्यूबर्स बी पायरों से निकल करके एक बंदा है आई नो नफी वॉच एम नॉट इट्स यू के बेस्ड यूट्यूबर यी अपलोड्स आर लॉन्ग वीडियोज टॉकिंग अबाउट मूवीज़ एंड पॉप कल्चर बहुत ही लाजवाब होती है मेरे को उसमें चार चार पाँच पाँच मिलियन व्यूज़ आते हैं बट वो दो महीने में एक बार वीडियो डालता है तो उसको मुझे नहीं लगता इंटरेस्ट आएगा शॉर्ट्स बनाने में क्योंकि वो उस पर मेहनत कर रहा है एंड देर इज टू इन माई ओपिनियन देर इज ओनली वन वे आउट ऑफ दिस फॉर अ क्रिएटर टू यू नो कीप क्रिएटिंग कंटेंट एंड नॉट फोकस ऑन दैट दैट इज़ कि इसको तुम अपना लाइवलीहुड नहीं बना सकते हो दैट इज द ओनली सोल्यूशन कि तुम इस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो कि इससे तुम्हारा जेब चलेगा तो फ्रॉम दैट परसपेक्टिव वट ऑप्शन क्रिएटर हैव जिसके पास बेसिक स्किल्स होती है क्रेट, हर क्रिएटर के पास तुमको बेसिक ऐसी आता है तुमको बेसिक मार्केटिंग आती है तुमको बेसिक कॉन्टेंट प्रोड्यूशन आता है और तुमको बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती है जो एक प्रॉपर ग्रेजुएट के पास भी नहीं होती हैं ऑफन टाइम्स तो वट डू थिंक हाउ कैन दे मार्केट देर स्किल्स टू अर्न अवलीड एंड नॉट जस्ट एग्जाम्पल रहता है ना कि लाइफ में और कुछ नहीं तो समोसे थलना सीख लो आई थिंक एवरी आई थिंक कि एट एनी गिवन पॉइंट आप कुछ भी करोगे कुछ भी पुषायद ना चले हाउ फास्ट कैन यू हॉप फ्रॉम वन थिंग वन थिंग टू द नेक्स्ट इज इम्पॉटेंट एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू सेल योर सेल्फ इतना लोगों में स्किल सेट होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए यू कैन डू समथिंग यूट्यूब बंद हो जाए कैमरा है मेरे पास फोटोग्राफर बन जाऊंगा भाई शादियों में वीडियो बना लूँगा मैं कुछ कुछ कर सकता हूँ विद द सेम स्किल सेट और कुछ ना हो भाई एक hmm. इतनी ग्रेजुएशन है मेरे पास कि मैं टीचर बन जाऊँ कहीं पे तो अब लाइफ अगर फेंके भाई ऐसे पॉइंट पे तो देखा जाएगा बट दैट इज द होल रीजन यूट्यूब के लिए आई एम नॉट काइंड ऑफ पर्सन हु मेक्स एट वन वीडियो फॉर व्यूज आई एम जेनुनली हेयर टू बिल्ड बिल्ड समथिंग लॉन्ग टर्म कि भाई ये बंद भी हो जाए ना एक इतना नाम है इतना नाम है कि वो नाम की वैल्यू रहे हाँ बिकॉज दे विल ऑलवेज बी अ सिस्टम भाई सब बंद हो जाए दे विल स्टिल बी अ वैल्यू टू यू अब वो वैल्यू को आप रियल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं अब कल को निकाल के मैं इतने लोग मुझे जानते कि भाई मैंने किताब लिख के बेच दी खरीद लें hmm. <laughs> तो आई थिंक उतना रहना चाहिए दैट इज पीपल द शॉर्ट गेम व्यूज पैसा आउट ना हम यहाँ पे है कि भाई oh, कल को हम निकले तो तुम साथ में भी आओ कहीं और जाए तुम भी आओ भाई तो यू ब्रिंग मी टू वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट दिस कम्युनिटी बिल्डिंग वाला पॉइंट यू नीड टू बिल्ड अ कम्युनिटी एंड नॉट जस्ट फॉलोअर्स हाउ हाउ डज हाउ डज वन क्रिएट दैट माइंड सेट बिकॉज ये जो तो बात बोल रहा है उस तक पहुँचने में लोगों को दस बीस साल लग जाते हैं नहीं तो सब आ, आते तो पैसा और फेम के लिए ही है एवरी वन स्टार्ट अरे इतने फॉलोअर्स जाएंगे बड़ा मजा आएगा और वो हो जाते हैं उसके बाद मजा आता नहीं है क्योंकि नंबर तो हमेशा आगे पढ़ता रहेगा ना वो तो टॉक्टिंग अबाउट दैट हाउ डू यू बिल्ड हाउ ड्रिएट स्टार्टिंग नंबर वन थिंग दैट हिट्स यू एक पॉइंट पे एंड इट शुड हिट एवरी वन इन द बिगिनिंग इज वन दो नंबर्स यू रियलाइज आर पीपल आर एक्चुअल फिजिकल ह्यूमन बींग्स ंग आई थिंक उसे रियलाइजिंग वेदर यू आर लुकिंग एट इट एज अस वेदर लुकिंग इट एज अल्फ ग्रोथ टिप वट एवर यू हैव एक्स अमाउंट ऑफ ओके भाई हाउ बिग इज य रूम अप्रोक्सीमेटली राइट नाउ दस बाय दस का दस, दस लोग लो लो खड़े कर दे वहां पर अनकम्फर्टेबल हो जाएगा uh -huh. हा एंड येट येट पीपल से मेरे सिर्फ सौ सब्सक्राइबर्स हैं यार बढ़ नहीं रहे हैं आई वुड रादर हैव हंड्रेड लॉयल लॉन्ग टर्म पीपल मिलियंस ऑफ पीपल हु वैनिश ओवर नाइट क्योंकि ये लोग इवन इफ यूर अ प्योरली बिजनेस माइंडेड पर्सन भाई सौ लोग से सौ रुपए भी ना अगर तो आप महीने का खर्चा तो तो निकल जाएगा महीने का खर्चा निकल जाएगा क्या तो दैट इज बट डू 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 यू थिंक 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 ऑफ एन ऑडियंस एग्जिस्ट लाइक हंड्रेड इज चलो थोड़ा सुपरफिशियल सा नंबर ज्यूम करते हैं डू यू थिंक दैट काइंड ऑफ ऑडियंस एग्जिस्ट एंड क्रिएटर्स चाहते हैं नहीं चाहते बिकॉज वेट यू गो आफ्टर नंबर्स तुम नंबर्स के पीछे भाग रहे हो स्टॉप कंसल्टिंग द पीपल एज पीपल तुमको बस चाहिए कि मेरे आज रात में सौ सब्सक्राइबर बढ़े या दो सौ सबक्राइबर बढ़े नहीं बढ़े वाई डू थिंक द क्रिएटर्स डोंट थिंक ऑफ इट दिस वेज गोल ओरिएंटेड है ना सॉरी गोल ओरिएंटेड है वी आर नो मैटर हम खुद और कितने क्रिएटर बुला लें एक माइंडसेट रहता है कि इस नंबर के बाद एक रिवॉर्ड है वी ट्रीट नंबर्स एज रिवॉर्ड्स भाई स्कूल में मार्क्स के लिए रोते थे यार एक मार्क और बढ़ के आपका नॉलेज या आंसर नहीं चेंज हो गया बट वो नाइन का टेन हो गया अच्छा लगा यार मज़ा आया सो वी आर ऑल नंबर्स बाउंड वी आर नॉट सीइंग कि हमें उससे वैल्यू क्या मिल रहा है सिमिलरली आई थिंक क्रिएटर्स के लिए भाई एक वो थाउजेंड सब्सक्राइबर्स पर आपको ये मिलेगा हंड्रेड पर ये मिलेगा वन लाख पे भाई प्ले बटन मिलेगा आपको तो यू यू फो गेट कि इट्स इट्स नॉट

तो जब ये माइंड आएगा तो यू नीड टू बिकम द काइंड ऑफ पर्सन यू वॉन्ट द कम्युनिटी टू रिफ्लेक्ट बैक एट यू मैंने एक वीडियो में बोला कि एवरी वन से मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे तुम खुद नहीं सब्सक्राइब कर रहे टू गुड कॉन्टेंट तुम खुद नहीं लाइक like कर रहे किसी की वीडियो तुम खुद कॉमेंट yeah. नहीं कर रहे बट यू वॉन्ट अजस्ट टू डू इट फॉर यू सो आई थिंक इट इट्स अ वेरी सुपरफिशियल थिंग टू से इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें आइडियल वर्ल्ड में सब कुछ हो रहा है अगर लोग शुरू कर दें ये अगर दस लोग भी भाई जेन्यनली करें एक दूसरे के कॉन्टेंट पे प्रमोट भाई लाइक like कर इफ दे लाइक इट तो भाई उनकी भी कम्यूनिटी बन गई तो वही ये कम्युनिटी बिल्डिंग में ये सीन रहता है कि बी अ गुड सिटीजन योर सेल्फ वो घुमा फिरा के आ जाएगा क्या वही उतना लंबा कोई सोचता नहीं है उतना लंबा समय तक लोग पेशेंस नहीं रखते हैं तो लंबे समय तक लोग रुकना नहीं चाहते हैं बेसिकली बट ओके इनफ इनफ अबाउट यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल मी अबाउट योर फिल्म मेकिंग हाउ मेनी कैमराज डू यू ओन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट मैं <laughs> नहीं, तो <बागी>। सारे सुन <laughs> नहीं मैं वही पूछ रहा हूँ लाइक हाँ सारे सुनना है मेरे को सी मैं मेरे को जो मेरा ये करंट सेटअप है उसको बनाने में पाँच छः साल लगे आई नो यू हैव बीन गोइंग लॉन्गर तो आई वांट टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि गेयर की, की इज्जत क्या होती है अभी तो देखो हम यहाँ पेम के नाम एस पे भी मेरा मेन कैमरा यूज़ कर रहे इसमें ऐसे ऐसे करने पर भी मस्त ब्लर हो जाएगा ये नाइस यू कैन सी दैट

हाँ मतलब तो अब, अब, अब ऐसे पॉइंट पे हो गए कि मैंने सोचा था उसको बैकअप कैमरा में रखूंगा बट इन दोनों में इतना क्वालिटी का डिफरेंस है कि इट्स 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 जस्ट जस्ट देयर तो हाँ उसके अलावा तो एक जी सेवन एक्स मार्क टू लिया था विच इज माई लेजी कैमरा जिसमें बेसिकली मुझे अगर कुछ ऐसा रिकॉर्ड करना है या किसी को देना है कि मुझे उसको समझाना ना पड़े क्या रिकॉर्ड करना है उसको मैं वो पकड़ा देता हूँ तू चला तू बस चला गोप्रो है गिफ्ट मेरे बर्थडे पे एक दोस्त ने दिया था ऐसे दोस्त हैं मेरे पास <laughs> तो हाँ मैं भी फुल लेवल वाला था, 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 था उसने तो एक ऊपर गिफ्ट दे बाकी कैमरास आई थिंक कितने ड्रोन वगैरह वो कैमरा नहीं है बट हाँ यार वो वो, ड्रोन वो, ड्रोन वो ऐसा कैमरा जो मैं उड़ा नहीं पाया ना उस उस सिर्फ वहाँ सिर्फ पैसे उड़े थे ड्रोन नहीं में अच्छा था कुछ प्रोजेक्ट से मस्त काम आया बट कौन आई एम दैट वेरी अच्छा बच्चा ठीक है मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन मैं नहीं करता गड़बड़े कर मतलब आई एम नॉट की कॉप सामने आया मैं पटा लूंगा मैं भाई सॉरी ले लो पैसे मैं दे दूंगा मैं उसको दे दूंगा वो मुझसे दस हज़ार मांगेगा मैं रो रो के दे दूंगा कि क्या लड़ूँ उससे उसने लेना ही है ना तो उस सिचुएशन में ही ना पहुँचूँ तो आई थिंक वो थोड़ा सा वो फियर हाँ तो एक दो तो इवेंट्स रहे हैं जहाँ पे मस्त लेके लगे राजस्थान के हाईवेज पे गाड़ियों के पीछे भगाया मैंने ट्रोन पर फिर ऐसा लगता है कि जाके कहाँ उड़ाओ यार एंड प्लस इज गेट गेंस अ लॉट ऑफ अटेंशन लाइक हाथ में देती है and like, तो आसपास देखने आ जाते हैं वो थोड़ा सा हैंडल <laughs> <handle> नहीं होता जाता <laughs>

which ends up being a problem for me because mm. if I'm at a party or if I'm in a room with ten people who I've even talked to online, I will try talking to talk you. But after a point, I'll be like, okay, I can't hmm. go and talk to that person. And I think that person expects me to talk to them. मैं दिमाग में पूरा conversation कर चुका हूँ तो I'm just gonna sit here. But उसकी नज़र से क्या है ये बंदा भाई जानता है को बात भी नहीं करना वोटन आज कर So

इवन बिफोर अ कॉन्वर्सेशन में बहुत आगे पहुंच जाता हूँ कि बंदा क्या बोलेगा क्या सोचेगा उसका क्या रिस्पॉन्स दूंगा सो वो स्टार्ट ही क्यों करूँ काइंड ऑफ सिचुएशन आई लव टिंग टू पीपल बट देन ये जो माइंड सेट आगे जाए जा रहे हैं ना उसको hmm. cope -up नहीं कर an on and off sometimes कभी must confidence आता है देर हार बिन सिचुएशंस बट देन देखो दिन में मोस्टली अकेले काम कर रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ अब हाँ एंड प्लस एड टू दिस कि जिस एज पे अब ठीक है yes. स्कूल में दोस्त स्कूल में तो दोस्त थे ही नहीं भाई ठीक yeah. है इतना तो वहाँ पर अकेले रहना पड़ा कॉलेज रेगुलर किया नहीं जो गिने चुने दोस्त थे वो कॉलेज चले गए तो आई थिंक आई एम जस्ट नॉट यूज टू बी अराउंड पीपल हाँ तो हाँ तो वही थोड़ा कोशिश कर रहे हैं निकलते हैं फोन करते हैं शाम को लोगों को कि जा रहे हो तो ले चलो ah, abhi, <laughs> haan, hai, hai, bak... <laughs> हाँ तो अभी हाँ तो अभी मेरे को टू व्हीलर अलाउड नहीं है तो लाइफ का गोल ही स्कूल की बार वाले गोलगप्पे की रेडी से गोलगप्पे नहीं खाता <laughs> पर हाँ सो so, <laughs> अब लाइफ का गोल ये हो गया कि कुछ करके मेरे को लाइक ड्राइविंग भी मैंने बहुत डिले करके सीखी मतलब mm -hmm. ऐसा कुछ नहीं था बट लाइक अब ड्राइविंग ढंग से प्रॉपर सीख रहा हूँ आई कैन ड्राइव ऑटोमेटिक चला लेता हूँ फॉर मैनअल चला रहा हूँ हाँ मैनुअल चला रहा हूँ थोड़ी ज्यादा कि एटलीस्ट एटलीस्ट इफ आई रीच अ पॉइंट कि अपनी गाड़ी लेके आई कैन गो आउट आई कैन मीट पीपल आई डोंट हैव टू बी डिपेंडेड ऑन देम कमिंग पिकिंग मी अप एंड देन मेकिंग प्लान मेक किसी को मिलना है कैन जस्ट गो अभी तो ऊबर ओला भी क्योंकि

कि अब शायद कहानी में आगे कहीं ब्रिंग अप हुई चीजें तो मैं आंसर कर दूंगा पर नहीं सीखी कुछ चीज अरे नहीं चीजें कुछ नहीं कुछ चीजें सीखी जब सीखनी चाहिए थी दे दे। दे। फिर ये सीन हो गया कि फैमिली में थोड़ा सीन हुआ था तो फिर एक गाड़ी रह गई अंदर एक गाड़ी एंड प्लस फाइनेंशियल्स तो दिमाग में ये डर बैठ गया कि यार ठोक दी या लाइक एवरीवन कभी ना कभी ठोकी भी है गाड़ी तो नॉट सडनलीट नो हाँ तो नाउ सडनली इट बिकेम अ थिंग ऑफ कि आई डि नॉट है फ्रीडम ऑफ इवन डेक तो इट बिकेम अ थिंक ड्राइविंग दैट इज समथिंग दैट इज सपोज टू भी भाई सीखना है कोई बात नहीं गलती होगी बिकेम अ थिंक कि नहीं तुम्हें शुरू से ही ठीक करना है कि तुम्हें गलती कर दी तो लिटरली महंगा पड़ेगा तो आई थिंक वो द मोमेंट इट बिकेम दैट समथिंग जो एवरी बॉय वॉन्ट्स टू डू बचपन से बिकेम अः ना रहने दो रहने दो So, वो थोड़ा सा था अंडरस्टैंडेबल लाइक आई मीन लाइफ हाउ हेज दैट सी आई मीन आई गोइंग टू बी अप्रंट आई नो अ वेरी सब्सटियल अमाउंट ऑफ इनकम ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड जनरली हाउ हैज दैट हेल्प यू बिकम फाइनेंशियली

वी वेल ऑफ बट वी वर ठीक ठाक घर अच्छा था गाड़ी अच्छी थी बट घर के अंदर खर्चे नहीं होते थे मतलब वी आर जस्ट गेटिंग बाई थिंग्स तो लड़ाई अभी देखी सब कुछ देखा तो ऑल ओ दैट है बट उसके बाद आई थिंक फ्रॉम अंग एज आई न्यू मेरे को कोई भी चीज ऐसे नहीं मिली कॉन्ट्रेरी टू वट अ लॉट ऑफ पीपल यूज टू सेट इज वाई दिस इज अ थिंग ट्रिगर जब लोग कहते ना बाप का पैसा तो मेरे को चीज़ बहुत चुपती थी बहुत चुपती थी नहीं like, तुम्हें नहीं पता है सो आई डोंट वांट टू गो अराउंड एक्सप्लेनिंग यू भाई कि क्या सीन है मेरा बट आई लीस्ट आई वर्क हार्ड फॉर दिस शिट हाँ हाँ तो ये सीन होता था तो ठीक है यार बोलो जो बोले तो आई थिंक इट इज़ अ दैट पॉइंट आई वॉज यंग एंड आई रियलाइज्ड एट अ वेरी अर्ली एज कि आई एम वेरी क्लोज टू माई माम सिस्टर तो मेरे को पता था कि एक तो क्रिएटिव हूँ <laughs> तो एक बचपन में और माइंड सेट रहता है कि विल आई बी एबल टू डू समथिंग बड़े ओके तो एक वो टेंशन काइंड ऑफ शुरू हो गई थी नॉट इन अ नेगेटिव वे बट मुझे पता था भाई मुझे महंगी चीज़ें पसंद हैं आई लाइक अ प्रीमियम लाइफ स्टाइल एंड आई नो पॉसिबल है hmm. तो फ्रॉम अ यंग एज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी कैन डू रियली गुड थिंग्स एंड मनी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है ट अग्री विद पीपुल से यार मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल ना भाई दे दो दे दो मुझे आई एम नॉट मटीरियलिस्टिक मैं हूँ भाई आई लव माई मटीरियलिस्टिक थिंग्स आई ऑल्सोट ऑफ गुड विद इट अगर मैं किसी को खुश कर सकता हूँ खुद को भी खुश कर सकता हूँ आई कैन ब्रिंक सम गुड अराउंड एनी वेयर तो दैट इज एनर्जी और मनी वेल स्पेंड तो आई थिंक ऑल ऑफ these thoughts वर ऑलरेडी इन द हेड ऑफ a फोर्टीन ईयर old. सो so, उस टाइम पर अर्निंग थोड़ी सी शुरू हो गई थी थ्रू ऑल ऑफ दिस समझ आ गया था कि जो चीज़ लेनी है खुद लेनी पड़ेगी तो द गेम ऑफ कुछ खरीदना है तो क्या बेचो दस चीज़ें बेच दो एक बारी में भाई ओ एल एक्स पर मैंने बहुत कुछ बेचा है एक कैमरा लेने के लिए एक पी एस फोर लेने के लिए मैंने बहुत कुछ बेचा है भाई अभी अभी ये चीज़ अच्छी लग रही है बेच दो हाँ. <laughs> so, खुद करना पड़ेगा एंड जब वो जोश होते हैं ना आई नो नो यू कैन डू इट तो उसके बाद दर इज नो स्टॉपिंग एंड मैं उनमें से न्यू जो भाई पैस आई डोंट होल्ड ऑन टू मनी जितना पकड़ोगे उतना निकलेगा तो मैं उड़ाता भी हूँ एज यू कैन सी मतलब हाँ हाँ इन, नहीं इन मैं, मैं उड़ाता इन द सेंस ओके okay, अगर उड़ाने को बोलूँ अब लकीली फॉर मी द थिंग्स आई लाइक उनसे मुझे पैसे वापस मिल जाते हैं तो अगर मेरे को अगर मेरे को रात को मन कर रहा है कि भाई आई नीड अ न्यू ग्राफिक कार्ड ये मेरी वीडियो दस सेकंड जल्दी रेंडर हो मुझे पता है कि मैं विद इन द नेक्स्ट थ्री मंथ्स उसका अमाउंट रिकवर कर लूंगा या कैमरा नया चाहिए मेरे को मैं को पता है रिकवर कर लूंगा ड्रोन आई कूडेंट लाइक ड्रोन से मुझे इसलिए थोड़ी शिकायत इतना नहीं उड़ाया तो नहीं कर पाया द लास्ट थिंग आई वॉट विच वॉज टोटली नॉन वर्क रिलेटेड या पी एस फोर दो हज़ार अठारह में लिया था तो मेरे लिए कैमरा इज नॉट जस्ट वर्क मुझे तो मजा भी आता है उस चीज के साथ mm -hmm. और ये भी हो जाता है तो उन्हें फोन हर साल बदलता था, अभी मस्त मेरा आई फोन टेन चल रहा है जिसका कैमरा भी बंद पड़ गया थोड़े टाइम पहले तो अब वही इट्स वेरी टफ टू कन्विंस योर सेल्फ यू नीड और कैन यू अफोर्ड टू चेंज योन दिस ईयर तो वही है विद अदर थिंग्स इन माइंड इन्वेस्ट भी की है यंग एज से थोड़ा बहुत इधर उधर सेफ ऑप्शन में रिलेशनशिप विद मनी दैट नॉट अ लॉट ऑफ पीपल यू नो इवन आर टॉट टू हैव आई थिंक कल परसकास्ट विद यू नो दैट गोरांग संग भी तन भट्ट के साथ वो पॉडकास्ट पर दिए दिए पे आता है ऑल्सो सेट द एग्जैक्ट सेम थिंग कि हमारे यहाँ पैसे के साथ हम इतना बुरा रिश्ता बना के रखते हैं कि पैसा जैसे कोई बुरी चीज़ हो एंड वैन यू हैव टू अप्रोच इट इन अ वे कि उससे सबका भला हो सकता है अगर एक इंसान पैसा कमा रहा है इसका मतलब ये नहीं किसी और की जेब काट के कमा रहा है वो पैसा अगर एक इंसान पैसा बना रहा है तो उसका ये भी हो सकता है कि सामने वाले को भी पैसा बन रहा हो

दैट आई कैन प्रोमिस एनी वन इन द फ्यूचर नीदर टू माई सेल्फ बट जितना है कि मी ट्रू टू माई सेल्फ एंड अगर आई हैव नो आइडिया कल मैं कल क्या करूँगा मुझे नहीं पता बट इफ आई मेक अ फिल्म इफ आई राइट अ बुक इफ आई स्टार्ट टॉकिंग पब्लिक प्लेस में और वॉट एवर ऑन स्टेज मुझे ये पता है कि अगर एक आवाज है जो लोग सुनना चाहते हैं तो वो पहुंचेगी चाहे उससे मैं भाई पैसे कितने बनाऊँ मैं शोज के ले रहा हूँ कुछ या मैं कुछ नहीं ले रहा और एक फॉलोइंग बन रही है या बन गया अगला बाबा आई डोंट नो आई डोंट नो आई डोंट प्लान इतना आगे का बिकॉज दिस ईयर इज द बेस्ट एग्जाम्पल भाई प्लान गए बड़ में एक बेसिक माइंड सेट रखो बेसिक माइंड सेट रखो भाई soat, soat, काम करना है अच्छा काम करना है वेयर एवरी डे टेक्स यू इस बिकॉज पीपल हैव सो इतने लॉन्ग टर्म डिटेल्ड गोल्स And जब वो इतना सा इधर का उधर हो जाता है ना डिसअपॉइंट दैट लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट बिकॉज एक्सपेक्टेशव अ बेसिक एक्सपेक्टेशन भैया कि वन मिलियन पहुंचना है कब पहुंचना है मत रखो करते रहो काम hmm. तो आई थिंक okay. यही सही है ना तो मैंने इतना आगे का सोचा नहीं है बट हाँ एक एक नाम एक नाम आई आई सोचा है कि, कि काम करना इन वट एवो वे एक नाम कहीं पर आइडिया ऑफ फेम आई लाइक द आइडिया ऑफ लिविंग अ मार्क आई लाइक एन आइडिया ऑफ बींग नोन पर मे बी फॉर द राइट रीजनस एंड अगर एक है कुछ पर्पज है वो मिल जाए मिलेगा जब मिलना होगा पर बस कुछ अच्छा करना है यार एंड दैट मीन्स अच्छा कर रहा हूँ तो उसके पैसे भी चाहिए मेरे को चाहे किसी जेब ना काटूँ बट अपने घर से <laughs> निकालू अपनी फैमिली को कंफर्टेबली रखूँ एंड सामने वाले का भी फायदा हो यार बैठा अच्छा काम करो वो जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो एंड देन प्रॉबी एवरीथिंग विल सॉट इट सेल्फ आउट दैट इज़ वॉट आई आल्सो लाइक टू बिलीव एंड दैट्स विद दिस वन गाइस थैंक यू सो फॉर्च वॉचिंग इट इज दी एंड इफ यू लाइक दिट छोटा सा रिक्वेस्ट जस्ट लीव अ कॉमेंट डाउन बिलो इफ यू लाइक दैट अगर तुम इसको ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो सो मेक श्योर यू गिव अस अ रिव्यू गिव अ फॉलो बिकॉज इट रियली हेल्थ दी पॉडकास्ट एंड इट हेल्प मोर पीपल कम अक्रॉस दी देंट एंड तुम चाहोगे अगर तुमको पॉडकास्ट पसंद आया है तो कि और लोग भी आके इसको सुने सो योर लिटिल जेस्ट विल हेल्प दिस पॉडकास्ट ग्रो अ लिटिल बिट थोड़ा और एंड फॉर दिस वन थैंक यू सो मच वॉचिंग टेट दू नेक्स्ट वीक फॉर न्यू एपिसोड नेक्स्ट फ्राइडे एंड तब तक के लिए गुड बाय